सब्सक्राइब कीजिए एबी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में और लेकर आपको लेकर नया टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा हाइपोथेसिस के बारे में। दोस्तों हाइपोथेसिस स्टेटिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नेट के एग्जाम के अंदर हाइपोथेसिस को लेकर काफी बार काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली हाइपोथेसिस होता क्या है? अ प्रीमाइस और क्लेम दैट वी वांट टू टेस्ट। तो दोस्तों इसका सिंपल सा डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, आसान भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। एक प्रीमाइस और एक क्लेम जिसको कि हमने टेस्ट करना है। अब हाइपोथेसिस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक है नल हाइपोथेसिस और एक है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस दोस्तों आप लोग इसका बेसिकली मतलब जानते ही हैं, मैथमेटिकली इसको जीरो भी कह देते हैं, कुछ ऐसा जिससे कि कुछ इम्पटी जैसा फील आ रहा हो। तो दोस्तों नल को जो है वो हम जीरो मान सकते हैं। अब नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करवाते हैं एच ओ से और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करवाते हैं एच ए से। अब दोस्तों इसके बारे में भी नेट के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों जो नल हाइपोथेसिस है उसको याद करने के लिए तरीका सिंपल सा ही है कि नल को जब जीरो कहते हैं तो ये जो ओ है वो जीरो की तरह लगता है, तो हम एच ओ को नल हाइपोथेसिस कहते हैं, ये हम याद कर चुके हैं। अब ए से अल्टरनेट होता है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एच ए कहते हैं। तो दोस्तों ये हमको याद हो चुका है और हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आराम से दे सकते हैं अगर एग्जाम के अंदर पूछा गया तो। अब दोस्तों नल हाइपोथेसिस जो है वो करंटली एक्सेप्टेड वैल्यू होती है, एस्टेब्लिश थिंग होती है और प्रीवियसली एक्सपेरिमेंटेड होती है। मान लीजिए कोई पिछले टाइम में किसी साइंटिफिक जो है वैल्यू को एक्सपेरिमेंट करके जो है एस्टेब्लिश कर दिया गया और कहा गया कि ये जो है पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया गया है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो है ये जो है वैल्यू निर्धारित कर दी जाती है। अब बाद में जाके अगर कोई व्यक्ति कहे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो वैल्यू पहले निर्धारित की गई थी वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये जो मैं बता रहा हूँ वो होनी चाहिए, तो दोस्तों जो पहले एस्टेब्लिश हो चुकी है एक्सपेरिमेंट के बाद में पहले से एस्टेब्लिश्ड है उसको तो हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और जो हाल फिलहाल के अंदर कोई व्यक्ति उसको ठुकराना चाह रहा है और कह रहा है कि ये जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत है, तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब दोस्तों इन दो हाइपोथेसिस को ही हम टेस्ट करते हैं तो उसको बेसिकली हम नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग कह देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, उससे आप नल हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। इन एन इंडस्ट्री इट इज बिलीव डैट ए कैंडी इज ओन एन एवरेज वेट्स 5 ग्राम। एक इंडस्ट्री के अंदर ऐसा समझा जाता है कि एक मान लीजिए कैंडी मेकिंग इंडस्ट्री थी तो उस कैंडी का जो वेट है वो 5 ग्राम का है, लेकिन एक वर्कर जो है वो क्लेम कर रहा है कि वो जो कैंडी है वो एवरेज 5 ग्राम की नहीं है, तो हमें राइट करना है एच ओ और एच ए को। तो दोस्तों यहाँ पे एच ओ क्या चीज है, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस हमने सबसे पहले पहचाना है कि नल हाइपोथेसिस क्या है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मैं बड़े ही आराम से पहचान सकता हूँ नल हाइपोथेसिस ये 5 ग्राम है, क्योंकि यहाँ बिलीव किया जा रहा है कि एवरेज जो है कैंडी वो 5 ग्राम की बनती है, ये हमेशा से ही एक्सेप्टेड रहा था, तो 5 ग्राम का हमने यहाँ लिख दिया नल हाइपोथेसिस। उसके बाद जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, एक वर्कर जो है वो यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि 5 ग्राम की नहीं होती है, तो हमने यहाँ लिख दिया अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो कि 5 ग्राम का नहीं है। अब जो एच ओ और एच ए है वो बेसिकली मैथमेटिकली जो है वो अपोजिट होंगे। अब जैसे यहाँ ये कह रहा है कि ये 5 ग्राम होती है, यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 ग्राम नहीं होती, तो ये मैथमेटिकली इसका अपोजिट है। अब वैसे ही यहाँ पे नल हाइपोथेसिस अगर होता कि ये 5 ग्राम से ज्यादा बनता है, और तो यहाँ पे अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस है वो कहता है कि 5 ग्राम से कम बनता है, तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है मैथमेटिकली इसका अपोजिट होता है। अब यहाँ पे जो इसके पॉसिबल आउटकम आएंगे नल हाइपोथेसिस के वो ये कि हम नल हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट कर देंगे या फिर उसको रिजेक्ट करने में फेल हो जाएंगे, ये दो ही प्रकार के जो है पॉसिबल आउटकम हमारे पास आएंगे। अब दोस्तों लैंग्वेज जो है वो यही रखनी है, लैंग्वेज इसमें कोई दूसरी नहीं की जा सकती। जैसे यहाँ पर फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस लिखा गया है तो इसमें हम ये नहीं कह सकते अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस ही आएगी। तो दोस्तों जो पॉसिबल आउटकम है वो हमारे पास दो है। अब इस इंडस्ट्री के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पर सैंपल उठाए गए 50 कैंडी का। अब दोस्तों जो सैंपल उठाया जाना चाहिए वो स्टैटिक होना चाहिए,
मतलब इसका कि वो ऐसी वैल्यू उठाई जानी चाहिए जिससे कि पॉसिबल जो है हम आउटकम ले सकें, और साथ ही साथ जो है रिजल्ट हमारे पास आएगा उसके आधार पे हम कोई ना कोई कंक्लूजन जरूर जरूर उससे ड्रॉ कर सकें। दोस्तों जो सैंपल है हमने यहाँ 50 कैंडी का उठाया और उसका जो है वो हमने एवरेज निकाल लिया। मान लीजिए सोमवार को हमने एवरेज उठाया और उसमें जो एवरेज कैंडी का निकला वो 5.08 ग्राम का निकला। मंगलवार को अगर हमने उठाया उससे जो एवरेज निकला वो 5.67 ग्राम का निकला। बुधवार को हमने जो कैंडीज का सैंपल उठाया उसमें जो एवरेज निकला वो 7.35 का निकला। तो दोस्तों ये हमारे पास 3 अलग-अलग दिनों के रिजल्ट आए हैं। अब जो हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहा है उसके हाथ में डिसीजन है कि वो कौन से वाले एवरेज को ज्यादा कंसीडर करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन उठ कर आता है वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन टू मेक डिसीजन, हम डिसीजन लेने के लिए कितने वाले एवरेज को सही मानेंगे। तो ऐसे में जो है हमने देखना है कि हम कौन से वाली वैल्यू को ज्यादा महत्व देंगे, हम कौन से वाली वैल्यू पर कह सकते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, या कौन सी वाली वैल्यू को हम कंसिडर करके कहेंगे कि फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस है। तो ऐसे में जो पहली वैल्यू है उसमें हम देखेंगे कि ये 5 ग्राम के काफी ज्यादा करीब है। तो ऐसे में अगर ये सिचुएशन को हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस सिचुएशन के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो हम इस सिचुएशन के लिए कह देंगे कि हम नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो ऐसी जो सिचुएशन आएगी जो 5.67 की बात आएगी तो उसमें जो है हम 50% जो है कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि शायद 50 की वैल्यू ली है, शायद इससे ज्यादा वैल्यू लें तो शायद ये 5 ग्राम के करीब आ जाए। तो ऐसे में यहाँ भी थोड़ा सा कम पॉसिबल है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं 7.35 की तो दोस्तों ये 5 ग्राम से काफी ज्यादा आगे है। तो ऐसे में यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों ये एक सिचुएशन हमारे पास आती है जहां पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो देयर मस्ट बी कंक्रीट रीजन टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो हमारे पास जो है वो कंक्रीट रीजन होना चाहिए, जो कि बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कंक्रीट रीजन हमारे पास है, क्योंकि एवरेज जो है 50 कैंडी का वो 5 ग्राम से काफी हद तक दूर आया है। तो ऐसे में ये कंक्रीट रीजन हो जाता है हमारे पास कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें। यहाँ पे दोस्तों जो हमने लाइन ड्रॉ की होगी वो मान लीजिए 5.5 ग्राम की हो, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5.5 ग्राम से ज्यादा है, तो हम यहाँ पर भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि लाइन कहाँ पर ड्रॉ की गई है। तो और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सीधा सीधा हम देख सकते हैं 5 ग्राम से काफी दूर पर है, तो हम इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, बेसिकली इसका जो मतलब निकलेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो अगला पॉइंट है हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का, अब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो कॉन्फिडेंस का लेवल होना चाहिए जो कि 90 से ऊपर ही होता है। अगर दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस का लेवल 50% है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो है जनरली एक्सेप्ट कर दिया गया है, प्रीवियसली एक्सपेरिमेंटेड है। ऐसे में दोस्तों 50% प्रोबेबिलिटी के साथ अगर किसी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो वो दोस्तों जो है वो मान्य नहीं होगा, वो बेसिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा मायने रखता है, तो 90% से ऊपर ही जनरली होता है। मान लीजिए 95 और 99 के बीच में इसको रखा जाए तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट हमने देखना होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट जो है α1-C, सी दोस्तों जो रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंस को। ऐसे में दोस्तों अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट देखेंगे तो 1-0.95 जो कि 0.05 आ जाएगा, तो जो अल्फा आएगा वो 0.05 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नल हाइपोथेसिस का। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल ऐसा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया नहीं तो दोस्तों कर दीजिए लाइक, कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।